चलें जी आपको सैर करवाते हैं चिनाव गार्डन की। ये इसका मेन गेट, यहाँ से आप आ जाएंगे इसके अंदर, मेन गेट से गुजर के और जैसे अंदर आएंगे तो मेन एंट्रेंस इस तरह की है। हाँ जी, ज़रा से इस तरफ चलते हैं और चलते चलते मुख्तलिफ तरह की चीज़ों की सैर करवाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है जिनाह गार्डन, जिनाह गार्डन फैसलाबाद। इसकी खूबसूरती मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कि अंदर से ये है किस तरह का और यहाँ पे सेटअप क्या है। जैसे ही आप मेन एंट्रेंस से गुजर के अंदर आएंगे तो इस तरह का आपको यहाँ पे गेटअप और सेटअप मिलेगा। इंतहाई खूबसूरत दरख्तों की एक लंबी चौड़ी लाइन, काफ़ी घने और गहरे दरख्त। आई लव पाकिस्तान। वॉक के लिए, जॉगिंग के लिए बड़ा ही शानदार यहाँ पे सेटअप है। एक साइड पर रोड ट्रैक बनाए हैं ताकि आप घूम फिर सकें। चलें जी, ज़रा ज़रा सा अंदर चलते हैं, आगे जाके भी मैं आपको मुख्तलिफ तरह की चीज़ें दिखाता हूँ। जिनाह गार्डन फैसलाबाद, इस तरह का यहाँ पे खूबसूरत सा माहौल है। आई लव फैसलाबाद, उसकी उल्टी तरफ मैं खड़ा हूँ। इस तरह का लंबी चौड़ी दरख्तों की एक लाइन है, बड़ा खूबसूरत यहाँ पे सेटअप गेटअप। ये जो आप दरख्त देख रहे हैं, ये कॉपर काफ़ी बड़ा है, इसका तना बहुत बड़ा है और हाइट इसकी तकरीबन 100 फुट के लगभग है, इससे ज़्यादा ही होगी, कम नहीं। जिनाह गार्डन फैसलाबाद, उसकी मैं आपको सैर करवा रहा हूँ। इस तरह के यहाँ पे खूबसूरत से सेटअप गेटअप हैं, आप यहाँ पे घूम फिर सकते हैं, गपशप कर सकते हैं, छुट्टी वाले दिन को आप पूरी तरह से यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। ये देखें, आप यहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं, हल्की दौड़ भी लगा सकते हैं। और चलें जी, ये एक जंगल की तरह का माहौल बनाया है, इसके अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें कैसे खूबसूरत दरख्त है और काफ़ी ज़्यादा घना साया है। इस तरह के दरख्त हैं यहाँ से, किसी और जगह लगाने के लिए भी यहाँ से इस्तेमाल हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा गहरे और घने दरख्त हैं यहाँ पे। ये देखिए किस तरह बड़ा दरख्त है, ऊंचा, और उसका तना देखें जरा। यहाँ से आप निकल आएंगे बाहर, इस तरह का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घने और गहरे दरख्त हैं। चलें जी, ज़रा सा अब इस तरफ चलते हैं। खाने पीने के लिए आप यहाँ से फ्रूट चाट, बर्गर, शॉर्मा, इस तरह की चीज़ें यहाँ से आप ले सकते हैं। इस तरह की फूलों की क्यारियाँ हैं, छोटी छोटी गुलाब के फूल। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इतना बड़ा तना है और बहुत बड़ा दरख्त है, ये काफी ज्यादा बुलंद। इंतहाई खूबसूरत से ये नज़ारे हैं और
ये फैसलाबाद लारी अड्डा के बिल्कुल पास पास है, ज़्यादा दूर नहीं है। फैसलाबाद लारी अड्डा से तकरीबन 1 किलोमीटर की मुसाफत पे यह खूबसूरत सा पार्क है। ये खूबसूरत सा बैठने के लिए सेटअप बनाया है। एक नहीं दो नहीं, काफ़ी खुले लॉन पार्क कह लें, प्लाट कह लें हैं, जहाँ पे आप घूम फिर सकते हैं। फैमिली के साथ आएँ तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी ये जगह है घूमने के लिए। काफ़ी बड़े बड़े दरख्त हैं, सालों पुराने यहाँ पे दरख्त आपको देखने को मिलेंगे। एक तरह से आप जंगल की तरह, आपको कुछ जगह ऐसे लगेंगी जैसे आप किसी जंगल बियाबान में घूम रहे हैं। दरअसल मैं इस तरफ चलता हूँ। दोस्तों आपसे गुजारिश है, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के निशान को भी दबा लें। मैंने कोशिश की है ज़रा सी आपको सैर करवाने की फैसलाबाद जिन्हा गार्डन की। आपके लिए इस तरह की मैं बेहतरीन से वीडियो बनाता रहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और उन लोगों का भी जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपसे मुलाकात होगी दोबारा, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय दोस्तों।